इस पूरी चाल पर आइए बात करते हैं विस्तार से। मेरे साथ जुड़ गए हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से विनीत बोलिंजकर। विनीत, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार की चाल आज के सत्र में डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। कई सत्रों के बाद हम देख रहे हैं निचला लेवल 19,100 के आसपास, लगभग 100 अंकों के आसपास की कमजोरी। ये बताएं, कमजोरी हावी और कितनी होती हुई आपको दिखाई दे रही है? नहीं, हमें लगता है कि अभी है ना, आप देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन अपने एंटायर मार्केट कैप में 40% पहुंच गया था। पिछले 10 सालों में आपने देखा रहेगा तो यहाँ से लार्ज कैप की आउट परफॉर्मेंस बढ़ती है और मिड कैप स्मॉल कैप घटता है। तो हमें लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप की प्रॉफिट बुकिंग ट्रेंड चालू हो गई है और लार्ज कैप्स में भी बिकवाली आएगी, क्योंकि दो क्षेत्र जो है, जो बैंकिंग और आईटी है, उनमें ब्रेकडाउन है और उसमें सेलिंग है। आईटी में कंसर्न्स है विद द यूएस मार्केट, वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही, रेवेन्यू ग्रोथ। और दूसरी चीज है कि बैंकिंग में निम की कंप्रेशन आ रही है बिकॉज ऑफ लेवलिंग ऑफ द प्लेइंग फील्ड। तो ये सब कारण देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 19,200-19,300 का रेंज था, वो टूट चुका है और हमें लगता है कि 200 DEM है, जो 18,600 के आसपास है, वहां पे मार्केट आके सपोर्ट लेना चाहिए।